आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे में दूध डालकर ऐसा नाश्ता जिसे आप 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। जब इसे घर पे बनाएंगे इस तरह से, तो आप मार्केट से किसी भी तरह का स्नैक्स लाना भूल जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर हमने लिया है गेहूं का आटा, तो आटा मैं यहाँ पर 2 कप ले रही हूँ। थोड़ा सा आटा हम बाद में भी लेंगे। यहाँ पर अभी हमें 2 कप आटा बाउल में डाल लेना है। इसकी क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको रख देते हैं साइड में। यहाँ पर मिक्सर जार लेंगे, इसमें डालेंगे हम चीनी। तो 1/2 कप चीनी डालना है, 5 इलायची डालेंगे और इसको बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। आप चीनी की क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं, या फिर चीनी की जगह गुड़ का यूज भी कर सकते हैं। इसको बढ़िया से हमने पीस लिया है और आप जो है ना इसको छान लेंगे, ताकि इलायची को जो बीज रह गए हैं कुछ और छिलके रह गए ना, वो सेपरेट हो जाए। इसमें जो इसके ऊपर चीनी के कुछ मोटे दाने निकलेंगे और इलायची के टुकड़े छिलके निकलेंगे, इसको आप जिस भी डिब्बे में शक्कर भर के रखते हैं ना रोज डेली यूज के लिए, उसमें भर दीजिए। आप जो भी चाय कॉफी बनाएंगे, इलायची फ्लेवर की तैयार होगी। तो यहाँ पर ये शक्कर हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। मैं यहाँ पर मूंगफली का तेल ले रही हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पर घी ले सकते हैं। दोनों ही चीज इसमें बराबर टेस्ट देगी। मूंगफली का तेल काफ़ी हेल्दी होता है, इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। यहाँ पर इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चेक करेंगे इसका लड्डू बन रहा है कि नहीं। उसके बाद इसको इस तरह से दबा कर रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए। यहाँ पर लेंगे आटा और अब हम लेंगे दूध। तो ये दूध ना मैंने फ्रीज से निकाल के 2 घंटे पहले रख दिया था। इसकी मलाई जो है ना हमने पहले ही सुबह सेपरेट कर ली थी, तो ये बिना मलाई का टोन मिल्क आप इसको कह सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ताज़ा दूध भी ले सकते हैं, पर एकदम ठंडा दूध नहीं लेना है। उससे क्या होगा कि हम इस तरह से आटे में दूध डालेंगे ना, तो पहले तो ये हार्ड हो जाएगा, उसके बाद फिर जैसे ही दूध ठंडा होगा तो आटा हमारा गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा दूध करके हमने इसमें 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा दूध डाल लिया है। अब चीनी डालेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा डालेंगे दालचीनी का पाउडर, काफ़ी गर्म होता है और हेल्दी भी होता है। थोड़ा सा हम डालेंगे नमक। नमक जो है ना मिठास को बैलेंस करता है। अगर आपके पास दालचीनी पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसको हाथों की हेल्प से गूंथेंगे और अच्छे से इसमें बाइंडिंग देंगे। यहाँ पर मैंने जो है ना 1/2 कप आटा और लिया है, और अब यहाँ पर पूरा ही आटा डाल देंगे, यानी कि हमने 2.5 कप आटा लिया है। अगर आप थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी पाउडर भी इसमें थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा फीका ही बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का ना जो हार्ड डो है ना लगा करके हमने तैयार कर लिया है, इसको रख देंगे हम साइड में, ताकि ये थोड़ा सा और अच्छे से सेट हो जाए। 15 मिनट के लिए रखेंगे, उसके बाद इसको फिर से हम देखेंगे। तो आटा पहले से थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो गया है, तो अब इसमें हमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमें हार्ड ही आटा चाहिए। यहाँ पर मैंने ये रोटी जो बेलने के लिए मंगवाई थी ना मैट, ये बिछा ली है। और अब इसमें से देखिए आप देख सकते हैं आटा इतना ज़्यादा आपको हार्ड लगाना। अगर आप आटा थोड़ा गीला लगा लेंगे ना, तो आपका जो नाश्ता है ना, अभी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है ना नाश्ता काफ़ी क्रिस्पी बन रहा है, पर आप जब स्टोर करेंगे ना तो ये लूज़ हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है ना आटे को थोड़ा सा हार्ड ही रखें। तो यहाँ पर देखिए इसमें ऑयल घी कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप इसको अच्छे से बेल सकते हैं। जैसा बिस्किट की थिकनेस रहती ना, उस तरह से हम इस नाश्ते की थिकनेस रखेंगे, और इसमें फोक से या फिर नाइफ से इस तरह के होल बना लेंगे, ताकि नाश्ता जो है ना फूले नहीं। अगर नाश्ता फूल जाएगा तो फिर इसकी पूड़िया, मीठी पूड़िया है ना, उस तरह से ये नाश्ता हो जाएगा। होल बनाने के बाद इस पे ऊपर पानी लगाएंगे, और अब इसके ऊपर जो है ना हमें चिपकाने हैं तिल। मैंने एक रेसिपी में बिना पानी लगाए तिल लगा दिए थे, तो उसके तिल जो है ना मैंने फ्राई करा नाश्ता तो निकल गए थे, तो इसलिए आज मैं पानी डालकर लगा रही हूँ। और यकीन मानिए इसमें से 2-4 तिल ही निकलेंगे, बाकी सारे तिल ऐसे के ऐसे ही चिपके रहेंगे। थोड़े से तिल डालेंगे, तिल की जगह आप कलौंजी ले सकते हैं, या फिर आप इनको ऐसे भी बना सकते हैं। तिल जो है ना ऑप्शनल है, बस देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। फिर से थोड़ा पानी लगा देंगे और फिर से हम इसको बेल लेंगे, ताकि तिल जो है ना अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद फिर से हम इसमें होल कर देंगे। कुछ होल बंद हो गए होंगे पानी की वजह से, तो यहाँ पर उनको भी हम खोल देंगे। अब मेरे पास है इस तरह के ये कुकी कटर, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। आप अगर लोकल मार्केट में ढूंढेंगे तो ये नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद सर्च करने
करने के बाद इनको मंगवाया था। ये एक डिजाइन जो है ना वो तीन या चार का सेट है, उसमें चार डिजाइन है, तो मैं यहाँ पर गोल वाली ये सबसे बड़ी वाली डिजाइन ले रही हूँ। इस तरह से दबाकर हम इनको गोल गोल काटेंगे। आप इनको है ना कटोरी से या ढक्कन से भी कट कर सकते हैं और इस तरह से हमारे ये जो बिस्किट है आटे के तैयार कर लेंगे। इसी तरह से बाकी और भी हम बिस्किट बनाएंगे और इसके अभी एक और नाश्ता बनाना है, तो हम आधा डो जो है ना इसका बचा लेंगे, बस इतने यहाँ पे बिस्किट बनाएंगे। यहाँ पर तेल हमने गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था, आप इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। अब जितने बिस्किट एक बार में बन जाते हैं उतने हम डालेंगे और इस तरह से दो तीन बार हिला ला कर इनको अच्छे से पकाएंगे। जब ये अपने आप से ऊपर आने लग जाएंगे तब इनको हम इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। इनको सेकने में आपको 5-6 मिनट का समय लग जाएगा। इनका कलर थोड़ा आपको डार्क ही करना है, नहीं तो आप इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। अभी तो क्रिस्पी लगेंगे, बाद में ये ना सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए कितने बढ़िया से क्रेक्स आए हैं और इसी तरह से हम मैंने बाकी के भी बिस्किट फ्राई कर लिए हैं। जो डो बचा था उससे मैंने इस तरह की सेम रोटी बेली और इस तरह के ये शकरपारे कट कर लिए हैं और इनको थोड़ा हम अलग स्टाइल में फ्राई करने के बाद इसमें और भी कुछ ऐड करेंगे। ऐसे ही नॉर्मली इनको नहीं रखेंगे। दोनों ही नाश्ता इतना ज्यादा टेस्टी बनता है कि आप कह नहीं सकते कि ये मार्केट से लाए हैं कि घर पे बनाया है। किसी ने बिलीव ही नहीं करा कि मैंने गेहूं के आटे से ये नाश्ता बना करके तैयार करा है। सॉरी वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, तो आप ही बोलते हैं कि इतनी छोटी सी चीज को इतना खींचने की क्या जरूरत थी। तो इसलिए आप सबके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो को बहुत छोटा बनाती हूँ। यहाँ पर देखिए इनको जो है ना हम निकाल लेंगे प्लेट में और अब इसके ऊपर हम डाल देंगे पिसी हुई चीनी। जब ये गरम गरम रहे तभी चीनी को डालना है और बढ़िया से मिक्स करना है। अगर ये ठंडे हो जाएंगे तो चीनी जो है ना इसमें नहीं चिपकेगी और ये चीनी की कोटिंग है ना इसको थोड़ा मिठास भी देगी और लुक वाइज भी इनको काफ़ी बढ़िया बना देगी। बाकी सभी शक्करपारे हमने यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं। आप चाहें तो ना गाढ़ी सी चाशनी बनाकर उसमें भी इसको कोट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ऊपर से थोड़ा और शक्कर का पाउडर डाल दिया है। जो नॉर्मल हमारी चीनी होती है ना उसी को हमने पीस करके रखती हूँ, मैं हमेशा ही रखती हूँ। जब भी कोल्ड कॉफी या चाय कॉफी में कम होती है ना तो इसी में से डाल देती हूँ, या फिर हम दही लेते हैं ना खाने के साथ तो उसमें भी यही वाली चीनी यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे तैयार हो गए, इनको हम ठंडा होने देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो इनको स्टोर करेंगे। यहाँ पर देखिए आप तोड़ने से पता चल रहा होगा कितना ये परफेक्ट नाश्ता बना है। ये मैंने आपको सैंपल के लिए बताएं, बाकी मैं ढेर सारा बनाकर रखती हूँ बच्चों के लिए। जब भी हम मार्केट से पहले नाश्ता लाते थे तो बच्चों को इस तरह का स्नैक्स लाते ना तो बच्चों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती थी, तो डॉक्टर ने मना करा कि बाहर का बिल्कुल भी नहीं देना है, तो आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखने में बिस्किट ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तोड़ के भी दिखाऊंगी, पर खाने में जो है ना शक्करपारे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए देखिए आप इनको भी तोड़कर, आप पता चल रहा होगा तोड़ने से कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बने हैं। आप इनको 2 महीने तक इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में भर कर खा सकते हैं। जब मन हो इंजॉय करें छोटी मोटी भूख में या फिर कहीं सफ़र के लिए जा रहे हैं तो इस तरह से आप इनको ले जा सकते हैं। पास से दिखाती हूँ, आप कह नहीं सकते कि इसे घर पर बनाए, बिल्कुल मार्केट स्टाइल ये बना है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।